खरगोन जिले की दो बालिकाओं ने इंदौर में शान जोशी, शिखा शर्मा और 15 बच्चों के साथ मिलकर 28 घंटे में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली बनाई। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के जश्न में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई गई। विश्व प्रसिद्ध कलाकार शिखा शर्मा ने 15 बच्चों के साथ मिलकर ये रंगोली को बनाया है, जिसे देखने के लिए तमाम लोग पहुँचे। उन 15 बच्चों में खरगोन जिले निमाड़ की बालिकाएँ रुचि अनिल शर्मा और खुशी अमृत शर्मा भी शामिल रही। इस विशाल रंगोली का लोकार्पण अयोध्या मंदिर के एक दिन पूर्व यानी 4 अगस्त को किया गया, जिसमें भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित अनेक हस्तियों ने 3D रंगोली का अवलोकन किया। इस विशाल रंगोली को गिनीज बुक में दर्ज कराने के प्रस्ताव भी भेजा गया है। 15 बच्चों की टीम ने 3300 वर्ग फीट क्षेत्र में ही श्री राम की मंदिर की 3D रंगोली बनाई है। सनाव से प्रभु प्रेम दोगे की रिपोर्ट। ग्राम चित्रमुड़ की दो बालिकाएं रुचि शर्मा और खुशी शर्मा, इनके प्रयासों से विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली बनाई गई, जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्ग फीट का रहा है। खुशी शर्मा और रुचि शर्मा के प्रयासों की पूरा ग्राम चित्रमुड़ के निवासी सराहना करते, प्रशंसा करते हैं। इनके प्रयासों से ग्राम चित्रमुड़ और निमाड़ क्षेत्र का गौरव बढ़ा है और ग्राम के सभी निवासियों की ओर से इन्हें शुभकामनाएँ और बधाई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी बेटियां वर्ल्ड लेवल पे गई हैं और उनको प्रोत्साहन देने भी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं, और अपने निमाड़ की चित्रमोड़ की लिए बहुत गौरव की बात है ये कि निमाड़ की दो लड़कियां वर्ल्ड लेवल तक आज गई है। 2-4 दिन पहले मेरे भांजे सानू जोशी का फोन आया मेरे पास कि मामा, दोनों बालिकाओं को भाई रंगोली में इंटरेस्ट है तो आप इनको इंदौर भेजोगे, और मैंने सहर स्वीकार किया, उनको दोनों को भेज दिया। और वहाँ पे कैलाश जी और प्रमोद जी झा आए थे राष्ट्रीय स्वयं संघ के, उन्होंने भी इनको बहुत प्रेरणा दी और ये हमारे लिए और पूरे निमाड़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज दोनों बालिकाओं ने वर्ल्ड लेवल तक नाम किया खरगोन जिले का और चित्रमोड़ का। मैं शान जोशी इंदौर से, और हम लोगों के मन में ये आया था कि हमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बन रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है हमारे इंदौर की शिखा शर्मा, उनका हमारे पास फ़ोन आया कि हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है जो कि 3300 स्क्वायर फीट का है, जो कि पूरा 3D मॉडल है जिसका। फिर मेरे ध्यान में आया कि चित्रमोड़ की भी हमारी मेरी दो बहनें ही हैं जिन्हें कला में, चित्रकारी में और रंगोली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने भी कहा कि बिल्कुल, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बारी है और अगर श्रीराम मंदिर बनाना है तो बिल्कुल उत्साह से हम बनाएंगे। तो यह है रुचि शर्मा, अब यह है खुशी शर्मा, एंड तीनों ने हम तीनों तो 3300 स्क्वायर फीट की हमने रंगोली बनाई है जिसे हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोगों के नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो 3000 स्क्वायर फीट के गांधी जी हैं। अब ये 3300 स्क्वायर फीट की 3D रंगोली बनाई है जो देश विदेश में सबसे प्रथम रहेगी। तो अब आप बताइए रुचि जी, आपको भी कैसा लगा? जय श्री राम। मैं रुचि शर्मा, जैसे ही भैया का कॉल आया वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, जैसे उन्होंने बोला कि रंगोली बनानी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली में आएगी, तो बस सुनते ही था कि हाँ, इसमें बनाना है हमको, इसमें राम लेना है। जैसे कि अयोध्या में इतना सब कुछ किया जा रहा है तो क्यों ना हम भी कुछ करें यहाँ पे, जो कि इतनी जगह लोग जाने जिसको, और यही हुआ। विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई हमने, 3300 स्क्वायर फीट की बनाई। जय श्री राम। मैं खुशी शर्मा। हम लोगों को बड़ा उत्साह था ये रंगोली बनाने का। हम लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम बिल्कुल थके नहीं, और हमने ये रंगोली पूरे 28 घंटे में कंप्लीट कर दी। हम लोग इस कार्य में इतने वो लीन हो गए थे कि हमें समय का पता ही नहीं पड़ा, और हमें बिल्कुल भी थकावट का एहसास नहीं हो पाया। और हमारे टीम मेम्बर्स ने भी हमें इतना सपोर्ट किया कि हम मतलब कुछ वो महसूस ही नहीं कर पाया अलग सा। ये सुनकर बहुत अच्छा हो रहा है कि हमने हमारे गांव चित्रमोड़ और शहर सनावत का नाम रोशन किया है, वो भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे रोशन करा है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन के रहेगा। और ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ। तो मुझे ये बताइए कि जब आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा और आप चित्रमोड़ शहर से हैं, तो आप कैसा फील कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि हमने भी हमारे गाँव के लिए, हमारे शहर के लिए कुछ किया। अच्छा, मुझे ये बताइए आप, इसको प्रेरणा कैसे मिली कि हम उस लेवल तक जाएँ?
शिखा शर्मा ने हमारे भाई को बताया, उन्होंने हमें बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है और तुमको भी रंगोली में इंटरेस्ट है तो तुम भी इसमें ले सकते हो। बस सुनते से कि हाँ हम तो आ रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है तो। चलिए बहुत खुशी की बात है। तो इसमें कितना समय लगा है आपको? इस रंगोली को बनाने में हमें 28 घंटे लगे हैं। ओके। और 3D रंगोली हम सुन रहे हैं हर जगह वायरल भी बहुत हुई है, तो 3D मतलब क्या? नॉर्मल रंगोली से 3D रंगोली कितनी अलग होती है? 3D रंगोली में ये रहता है कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं वो थोड़ा लंबा बनता है, फिर रंगोली ऐसे छोटी छोटी होते जाती है जो कि हमको ऐसे खड़ी दिखती है, और अगर हम नॉर्मल रंगोली देखते वो सीधी ऐसी प्लेन दिखती है, ऊपर से अगर देखे नीचे देखे सीधी प्लेन दिखती है। 3D की ये खासियत होती है कि आप कहीं से भी देखो उसे आपको ऐसा लगेगा कि सामने खड़े हैं ऐसा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।